गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने पेंट की कक्षा में बहुत कुछ सीखा होगा और आपने जो भी सीखा है उसका आप भविष्य में भी उपयोग करेंगे। अब आप सभी जो सीखेंगे वह ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा आप अपने बहुत से कार्यों को और भी आसान कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी एक प्रोग्रामर विंडो को बनाते समय प्रोग्रामिंग करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह वो सॉफ्टवेयर होता है जिन्हें एक यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से इंस्टॉल करके उपयोग कर सकता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे हम छू नहीं सकते, इसको हम सिर्फ देख सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी क्या होता है? ओपन ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग आप किसी भी कंप्यूटर पर कर सकते हैं क्योंकि यह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब आपको यह खरीदना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इसे इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन ऑफिस को अपाची फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ओपन ऑफिस का उपयोग किस लिए करते हैं। ओपन ऑफिस का उपयोग आप अपने किसी भी कार्य, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना हो, प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन बनाना हो, स्कूल या ऑफिस का डेटा बनाना हो इत्यादि। ओपन ऑफिस एमएस ऑफिस के जैसा ही एक सॉफ्टवेयर है। क्या आप जानते हैं कि एमएस ऑफिस के कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि एमएस ऑफिस के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल इत्यादि। ठीक इसी प्रकार ओपन ऑफिस के अंदर भी बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसे आप राइटर भी बोल सकते हैं, या एमएस वर्ड की तरह होता है। प्रेजेंटेशन, जिसे आप इम्प्रेस भी बोल सकते हैं, या एमएस पावर पॉइंट की तरह होता है। स्प्रेडशीट, जिसे आप कैलसी भी बोल सकते हैं, या एमएस एक्सेल की तरह होता है। आइए अब हम ओपन ऑफिस के बारे में सीखना शुरू करते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें। क्या आप बता सकते हैं लैपटॉप या नोटबुक को ओपन करने का सही तरीका क्या होता है? अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग कर रहे हैं तो इसको ओपन करने के लिए लैपटॉप या नोटबुक के दो हिस्से होते हैं। लैपटॉप के नीचे वाले हिस्से को लेफ्ट हैंड से दबाकर रखें और राइट हैंड से ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठाएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इसे ऑन करें। ऑन करने के लिए दिखाए गए पावर बटन को ढूंढें और एक बार दबा दें। अब आपका लैपटॉप ऑन होने लगेगा, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं माउस और टचपैड में क्या अंतर होता है? आप माउस का उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ में करते हैं और टचपैड का उपयोग आप लैपटॉप या नोटबुक के साथ में करते हैं। क्या आप बता सकते हैं माउस में कितने बटन होते हैं और इनका उपयोग क्यों करते हैं? माउस में 3 बटन होते हैं। लेफ्ट बटन से आप किसी फाइल अथवा फोल्डर को ओपन करते हैं, राइट बटन से आप किसी फाइल अथवा फोल्डर पे ऑप्शन लेने के लिए उपयोग करते हैं, स्क्रॉल बटन से आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं माउस या टचपैड का उपयोग क्यों करते हैं? आप माउस या टचपैड का उपयोग पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए करते हैं। आज की कक्षा में आप जो सीखेंगे वह कुछ इस प्रकार से है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट राइटर क्या होता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या राइटर के फीचर क्या होते हैं? राइटर और एमएस ऑफिस वर्ड में क्या डिफरेंस होता है? राइटर को ओपन कैसे करते हैं? राइटर के डॉक्यूमेंट के बारे में, कीबोर्ड के बारे में,
कीबोर्ड से राइटर में लिखते कैसे हैं, डिलीट और बैकस्पेस की में क्या डिफरेंस है, एरो की के बारे में, कैप्स लॉक बटन और शिफ्ट बटन का उपयोग कैसे और किस लिए किया जाता है, क्या आप जानते हैं राइटर क्या होता है? ओपन ऑफिस में राइटर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है जिसके द्वारा आप ऑफिस, स्कूल, घर, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और भी जगहों के कार्यों में उपयोग करते हैं, जैसे कि उनके बारे में कुछ लिखना और उसे भविष्य में देख भी सकते हैं। राइटर की मुख्य विशेषताएं। राइटर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। राइटर के अंदर टाइप करने के साथ साथ पिक्चर्स, टेबल और चार्ट भी बना सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट को सीधे पीडीएफ के फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ क्या होता है, इसे आप आगे सीखेंगे। राइटर के पेज पर हम कुछ ड्राइंग या पिक्चर्स को भी बना सकते हैं अथवा इंसर्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि ओपन ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड में डिफरेंस क्या होता है। राइटर और एमएस वर्ड दोनों को सेम कार्य के लिए उपयोग करते हैं। जैसे हम एमएस वर्ड को डॉक्यूमेंट बनाना, टाइपिंग करके फॉर्मेटिंग करना, मर्ज डॉक्यूमेंट इत्यादि के कार्यों के लिए करते हैं, वैसे ही सेम कार्यों के लिए ओपन ऑफिस राइटर का भी उपयोग करते हैं। अब आप ओपन ऑफिस राइटर की फाइल ओपन करना सीखेंगे। आइए सीखें कि राइटर की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। Windows 7, Windows 8 और Windows 10 में राइटर की फाइल को ओपन करने का तरीका अलग-अलग है। आप इन तीनों विंडो में से किसी एक विंडो को उपयोग कर रहे होंगे। अभी आप Windows 7 में राइटर की फाइल को ओपन करना सीखेंगे और Windows 8 और Windows 10 में राइटर की फाइल को ओपन कैसे करते हैं, इसके लिए अलग से दिए गए वीडियो को देखें। राइटर की फाइल को आप बहुत से तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला स्टेप वाइज और दूसरा शॉर्टकट। सबसे पहले आप स्टेप वाइज तरीके से फाइल को ओपन करना सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर फाइल को ओपन करना सीखते हैं। सबसे पहले आप अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर जाएं और टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबा दें। एक बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको ऑल प्रोग्राम लिखे हुए ऑप्शन पर लेफ्ट बटन से क्लिक करें। अब यहाँ पर ओपन ऑफिस लिखे हुए ऑप्शन को टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करें और फिर यहाँ पर ओपन ऑफिस राइटर पर लेफ्ट बटन से क्लिक करें, जिससे राइटर की फाइल ओपन हो जाएगी। क्या आप सभी ने राइटर की फाइल को ओपन कर लिया है या नहीं? अगर नहीं, तो दोबारा से वीडियो को देखकर दोबारा से आप राइटर की फाइल को ओपन करना सीखें। आइए अब राइटर के पेज को देखें और उसके कुछ महत्वपूर्ण भाग के बारे में जानें। सामने दिखाए जा रहे चित्र को देखें। यह चित्र ओपन ऑफिस राइटर के पेज का है। इस चित्र में आप सब देख रहे होंगे कि इस पेज पर कुछ लाइन के द्वारा उनके नामों को दिखाया गया है। अब हम इनके बारे में जानेंगे। राइटर के पेज पर सबसे ऊपर देखे, जहां पर एरो का निशान है, वहां पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड वन ओपन ऑफिस राइटर। इसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार फाइल के नाम और कंपोनेंट्स का नाम और सॉफ्टवेयर के नाम को बताता है। जैसे कि इस पेज को देखें, यहाँ पर अनटाइटल्ड वन लिखा है। इसका मतलब कि यह फाइल सेव नहीं है। अगर यह फाइल सेव होती तो यहाँ पर इस फाइल का नाम होता, उसके बाद ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी लिखा हुआ है, यह सॉफ्टवेयर का नाम है, और सबसे लास्ट में राइटर लिखा हुआ है जो ओपन ऑफिस के कंपोनेंट्स के बारे में बताता है। अब अगले चित्र को देखें। इस चित्र में मेनूज बार के बारे में दिखाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं मेनू बार क्या होता है? मेनू बार हमारे फाइल के सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि यह हमारे फाइल के सारे कार्य, चाहे वह फॉर्मेटिंग से हो, मर्ज डॉक्यूमेंट से हो या फाइल को सेव करना हो, मेनूज बार के अंदर ये सभी ऑप्शन होते हैं। मेनूज बार में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल, विंडो और हेल्प आते हैं। मेनूज बार के नीचे कुछ छोटे छोटे चित्र दिख रहे होंगे। इन सिंबल को अलग अलग नामों से जानते हैं।
पर इन सबको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। क्या आप जानते हैं स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? स्टैंडर्ड टूल बार एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसे एक यूजर अपने उपयोग के अनुसार इसे खुद से बना सकता है और उन ऑप्शन का आप यहाँ से सीधे उपयोग कर सकते हैं। दिए गए चित्र को देखें। यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे जहाँ बी आई यू कलर इत्यादि हैं उसे फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। क्या आप जानते हैं फॉर्मेटिंग क्या होती है? किसी टाइप की वो पैराग्राफ अथवा लाइन पर आप जो कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे कि किसी वर्ड का राइटिंग बदलना, वर्ड का साइज बदलना, किसी वर्ड का कलर बदलना, किसी वर्ड को हाइलाइटिंग करना इत्यादि, किसी पैराग्राफ अथवा लाइन पर किए गए इन सभी चेंजेस को फॉर्मेटिंग बार कहते हैं या फॉर्मेटिंग करना कहते हैं। फॉर्मेटिंग बार से राइटिंग चेंज, राइटिंग का साइज छोटा बड़ा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, राइटिंग का कलर चेंज, बैकग्राउंड का कलर चेंज इत्यादि कर सकते हैं। अब हम कीबोर्ड की मदद से राइटर के फाइल में टाइप करना सीखेंगे। सभी अपने कीबोर्ड को देखें। यहाँ पर बहुत सी कीज या बटन होते हैं, जैसे कि अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, एंटर की इत्यादि। इन कीज का उपयोग अलग-अलग कार्यों के लिए करते हैं। कुछ लिखने के लिए आप अल्फाबेट्स कीज का उपयोग करेंगे। अगर नंबर लिखना हो तो नंबर कीज का उपयोग करेंगे। क्या आप बता सकते हैं अल्फाबेट्स कीज का उपयोग क्यों करते हैं? अल्फाबेट कीज के द्वारा आप राइटर की फाइल में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि किसी का नाम, जगह का नाम, किसी का स्पेलिंग इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं नंबर कीज का उपयोग क्यों करते हैं? नंबर कीज के द्वारा आप नंबर को टाइप कर सकते हैं और नंबर की को डिजिट कीज भी कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कीबोर्ड में स्पेशल कीज कौन सी होती हैं? नंबर की और अल्फाबेट की को छोड़कर बाकी सभी कीज स्पेशल कीज होती हैं और फंक्शन कीज होती हैं। फंक्शन कीज F1 से F12 तक होती हैं। क्या आप बता सकते हैं स्पेस बार बटन का उपयोग क्यों करते हैं? स्पेस बार का उपयोग दो वर्ड के बीच में जगह देने के लिए करते हैं और यह कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। क्या आप बता सकते हैं बैक स्पेस बटन का उपयोग क्यों करते हैं? बैक स्पेस बटन का उपयोग किसी वर्ड को मिटाने के लिए करते हैं, लेकिन आप बैक स्पेस से केवल कर्सर के लेफ्ट साइड के वर्ड को मिटा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं डिलीट बटन का उपयोग क्यों करते हैं? डिलीट बटन से आप किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग करते समय आप डिलीट बटन से कर्सर के राइट साइड के वर्ड को मिटा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं एंटर बटन का उपयोग क्यों करते हैं? एंटर बटन से आप एक नई लाइन पर जाने के लिए करते हैं अथवा एंटर बटन का उपयोग करके एक नई लाइन से टाइप कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं एरो कीज का उपयोग क्यों करते हैं? एरो की का उपयोग आप पेज में जो कर्सर होता है उसे आप अपने जरूरत के अनुसार ले जा सकते हैं, क्योंकि एरो की चार प्रकार की होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। आइए अब राइटर की फाइल में टाइप करना शुरू करते हैं। टाइप करने से पहले आप सब अपने कीबोर्ड को देख लें, क्योंकि की कहाँ पर है अभी देखने से आप सबको याद तो नहीं होगा, पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी की कहाँ पर है और उसके बाद टाइप करने में आसानी होगा। सामने दिए गए चित्र को देखकर अल्फाबेट्स टाइप करें। अगर टाइप करते समय कोई वर्ड गलत हो जाता है तो आप कर्सर की पोजीशन को देखकर बैकस्पेस और डिलीट बटन का उपयोग कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि राइटर के पेज पर अल्फाबेट्स को कैसे टाइप करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और अपने कीबोर्ड में एक एक अल्फाबेट्स कीज को सर्च करें और उसे टाइप करें। जैसे कि सबसे पहला ए टाइप करें, फिर उसके बाद बी को ढूंढें, उसे टाइप करें, फिर सी टाइप करें, फिर डी, ई, एफ। वैसे ही आगे के बाकी अल्फाबेट्स को आप वीडियो के
माध्यम से देखकर टाइप करें। अगर टाइप करने में कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में या राइटर के पेज पर अल्फाबेट्स को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद एक नई लाइन से टाइप करने के लिए एंटर बटन को दबाएं। उसके बाद नंबर्स को टाइप करें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि नंबर की को कैसे टाइप करते हैं। नंबर की को टाइप करने के लिए आप सभी नंबर की को एक-एक करके प्रेस करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप नंबर की को टाइप कर सकते हैं। फिर अब अगले लाइन में टाइप करने के लिए आप सभी एंटर बटन का प्रयोग करें। आइए अब वीडियो को देखकर स्पेस बार बटन का उपयोग करते हुए आप अपना नाम टाइप करें। जैसे कि आप पहला वर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद आपको बीच में स्पेस देना है, यानी कि जगह छोड़ना है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी की है उसका उपयोग करेंगे, वह आपका स्पेस बार की होता है। स्पेस बार बटन के द्वारा आप अपने वर्ड के बीच में जगह दे सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप स्पेस बार बटन का उपयोग कर सकते हैं। आप एरो की का उपयोग करके बैक स्पेस और डिलीट बटन का उपयोग करना सीखेंगे। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि बैक स्पेस और डिलीट की में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने कर्सर को अपने पैराग्राफ या लाइन के बीच में लेकर आएं एरो की के उपयोग से, और उसके बाद बैक स्पेस की का दबाएं। जब आप बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा उसके कर्सर के लेफ्ट साइड डिलीट होगा, और जब आप डिलीट की का उपयोग करेंगे तो कर्सर के राइट साइड का डिलीट होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप बैक स्पेस और डिलीट का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी अपने कर्सर को सबसे लास्ट वाले लाइन में लेके आए और फिर एक नई लाइन में जाने के लिए एंटर बटन का उपयोग करें। आइए अब कैप्स लॉक बटन का उपयोग करना सीखते हैं। कैप्स लॉक के बटन को सामने दिखाए जा रहे चित्र में देखें और उसे अपने कीबोर्ड में ढूंढें। इस बटन के उपयोग से हम अपने अल्फाबेट्स को कैपिटल लेटर में, मतलब बड़े अक्षरों में टाइप कर सकते हैं। अगर आप सभी वर्ड को कैपिटल मतलब बड़े अक्षरों में लिखना चाहते हैं तो इस बटन को एक बार दबा दें और फिर टाइप करें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं या समझते हैं कि कैप्स लॉक बटन जब हम प्रेस करेंगे उसके बाद टाइप करेंगे तो टेक्स्ट कैसा टाइप होगा। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड में कैप्स लॉक बटन को ढूंढना है और उसे एक बार प्रेस कर देना है और अल्फाबेट्स को टाइप करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब आप सभी देख रहे होंगे कि आपका जो अल्फाबेट्स के वर्ड हैं वो सारे कैपिटल लेटर में आ रहे हैं। तो इस तरह से आप कैप्स लॉक बटन का उपयोग कर सकते हैं। आप सभी ध्यान दें कि जब भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना हो तो कैप्स लॉक को एक बार प्रेस करना होता है, और जब भी स्मॉल लेटर में टाइप करना होता है कैप्स लॉक बटन को एक बार और प्रेस करना होता है, जिससे कि आप दोबारा उसे स्मॉल लेटर में टाइप कर सकते हैं।
अब हम सब शिफ्ट बटन के बारे में सीखेंगे कि शिफ्ट बटन का उपयोग किन-किन कार्यों के लिए करते हैं। शिफ्ट बटन का उपयोग आप अल्फाबेट्स और नंबर कीज के साथ में कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड की एक फिंगर से शिफ्ट बटन को दबाकर रखें और फिर एक-एक करके अल्फाबेट्स टाइप करेंगे, तो आप अल्फाबेट्स कैपिटल यानी कि बड़े अक्षर में टाइप कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि शिफ्ट की का उपयोग से अल्फाबेट को कैसे टाइप कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको टाइप करने के लिए अपने एक हाथ से शिफ्ट की को दबा के रखना होता है और दूसरे वाले हाथ से अल्फाबेट्स को टाइप करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे आप टाइप करना शुरू करेंगे, आपके जो अल्फाबेट्स के वर्ड होंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। तो इस तरह से आप शिफ्ट की के उपयोग से अल्फाबेट्स को टाइप कर सकते हैं। अगर टाइप करने में कोई समस्या हो रही है तो पूछ सकते हैं। शिफ्ट की के उपयोग से आप सिंबल्स को भी टाइप कर सकते हैं या आप आगे सीखेंगे। अगर आप शिफ्ट बटन के साथ में नंबर बटन का उपयोग करेंगे तो नंबर के ऊपर जो सिंबल्स होते हैं उन्हें आप टाइप कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत से बटन हैं जिनके ऊपर सिंबल हैं, आप उन्हें ढूंढकर टाइप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कैप्स लॉक को एक बार दबा देने के बाद आप शिफ्ट की के साथ में कोई भी अल्फाबेट की का उपयोग करेंगे तो आपके वर्ड सिर्फ स्मॉल में आएंगे, इसलिए आप कैप्स लॉक बटन को फिर से दबा दें और फिर से शिफ्ट के साथ में अल्फाबेट की का उपयोग करेंगे तो वर्ड कैपिटल में टाइप होंगे। आइए अब वीडियो के द्वारा देखकर सीखते हैं कि शिफ्ट की से हम सिंबल को कैसे टाइप कर सकते हैं। इसके द्वारा आप अपने कीबोर्ड में जो भी सिंबल हैं, जैसे कि नंबर की के ऊपर देखें, नंबर्स के ऊपर कुछ सिंबल दिए गए हैं। इनको अगर आपको टाइप करना है तो आप सिंबल की का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से शिफ्ट की को दबा के रखें और दूसरे हाथ से नंबर की को प्रेस करें तो देखें कि सिंबल्स टाइप होंगे। इस तरह से आप शिफ्ट की के मदद से आप अपने कीबोर्ड में दिए गए सिंबल को या सिंबल्स को टाइप कर सकते हैं। अब आप सब अपनी फाइल को क्लोज करें क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। राइटर की फाइल को आप वैसे ही क्लोज करेंगे जैसे आप एमएस पेंट की फाइल को क्लोज करते थे। सभी अपने कर्सर को पेज के दाहिने साइड कोने में क्रॉस के बटन पर लेकर जाएं और वहां अपने माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन को दबा दें। आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आ जाएगा जिस पर तीन ऑप्शन दिए गए होंगे, सेव, डिस्कार्ड और कैंसिल। क्योंकि हमें इस फाइल को सेव नहीं करना है, इसलिए हमें डिस्कार्ड वाले बटन पर क्लिक करें, जिससे फाइल क्लोज हो जाएगी। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को शटडाउन करें। अगर कंप्यूटर को शटडाउन करने में कोई समस्या हो, तो आप वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहां पे अपने पॉइंटर को लेकर जाना है। अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। आज की कक्षा में आपने सीखा राइटर क्या होता है, राइटर के फीचर्स क्या होते हैं, ओपन ऑफिस राइटर और एमएस ऑफिस वर्ड में क्या डिफरेंस है, राइटर को ओपन कैसे करते हैं, राइटर के डॉक्यूमेंट के बारे में, कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड से राइटर में लिखते कैसे हैं, डिलीट और बैक स्पेस में क्या अंतर होता है, एरो की के बारे में,
कैप्स लॉक बटन और शिफ्ट बटन का उपयोग कैसे और किस कार्य के लिए किया जाता है?